एवरीवन, माय नेम इज महिमा, क्लास 7th, रोल नंबर 54. टुडे आई एम गोइंग टू डू रीडिंग कैंपेन एक्टिविटी शीट नंबर 8. लेट्स स्टार्ट. इट कैन बी लॉट ऑफ फन टू एंजॉय थिंग्स अराउंड अस. राइटफुली, हमें वो चीज़ें एंजॉय करने में बहुत अच्छा लगता है जो चीज़ें हमारे लिए राइटफुली हो, मतलब जिसमें हमारा अधिकार हो, हक को जो हमारे लिए फ्री हो. जैसे कि इट इज़ अ राइट टू गो टू स्कूल. स्कूल जाना हमारा हक है. रोड पे चलना हमारा हक है. हॉस्पिटल जाना हमारा हक है. टू गो ऑन अ मॉन्यूमेंट, किसी स्मारक पे जाना हमारा हक है. अ पार्क एंड अ टेम्पल, किसी पार्क और मंदिर जाना भी हमारा हक है. नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो अ राइट टू इन्जॉय द फ्लैग होस्टिंग इन अ नेशनल फेस्टिवल. हमें ध्वजारोहण और ध्वजारोहण करने का भी हक है हमारे किसी राष्ट्रीय त्यौहार पे. इट्स ऑल फ्री 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 एज इट इज़ अ राइट. ये सब हमारे लिए फ्री है क्योंकि ये हमारा हक है, हमारा राइट है. हियर इज़ अ स्टोरी वेयर अ चाइल्ड लाइक यू. यहाँ पे एक स्टोरी है एक बच्चे की जो आपके जैसा ही है. नॉट ओनली इन्जॉय हिज राइट्स बट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू. वो सिर्फ अपने हक जो है वो इंजॉय नहीं करता बल्कि जिम्मेदार भी है. रीड एंड एंजॉय, पढ़िए और मज़े कीजिए. अंडरस्टैंड द मैसेज बिहाइंड द स्टोरी. स्टोरी के पीछे मैसेज है जो आपको समझना है. इट वॉज 26 जनवरी, रिपब्लिक डे. इस स्टोरी में जो दिन दिखाया गया है वो रिपब्लिक डे का दिन है. मानव वॉज ड्रेस्ड इन वाइट क्लोथ्स एंड वाइट कॉन्वर्स शूज. ये लड़का जो है इसका नाम मानव है. ये इसने वाइट कलर के क्लोथ्स पहन रखे हैं और वाइट कलर के शूज. ही एडमायर्ड हिमसेल्फ इन द मिरर एंड स्माइल. वो अपने आप को मिरर में देख रहा था और स्माइल कर रहा था. ही लेफ्ट हिज होम अर्ली टू अटेंड द फ्लैग होस्टिंग. वो अपने घर से निकल गया फ्लैग होस्टिंग अटेंड करने के लिए, ध्वजारोहण अटेंड करने के लिए, क्योंकि ये रिपब्लिक डे का दिन था तो इसलिए फ्लैग होस्टिंग हो रही थी. इट हैड रेन्ड द प्रीवियस नाइट. उससे एक रात पहले बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी. स्मॉल पडल्स ऑफ वाटर वेयर ऑल ओवर द रोड, जिसकी वजह से पूरी रोड पे ऐसे छोटे छोटे पानी के गड्ढे भर गए थे. मानवी एंड हर नेबर्स ऑल्सो लेफ्ट होम. मानवी और उसके पड़ोसी भी घर से निकल गए थे फ्लैग होस्टिंग के लिए. She was wearing a bright saffron dress and shoes. मानवी जो थी उसने केसरी कलर के, एकदम डार्क ब्राइट केसरी कलर के कपड़े पहन रखे थे और शूज़ पहन रखे थे. मानवी splashed the water in the puddles and laughed. जो मानवी थी वो पानी के गड्ढों में कूदी और हंसी. मानव टोल्ड मानवी. मानव ने मानवी से कहा, डू नॉट डट योर शूज, दे विल बी वेट एंड मडी. मानव ने मानवी से कहा कि तुम ऐसे तुम करोगी तो तुम्हारे शूज गंदे हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे और मिट्टी में हो जाएंगे. ऐसा मत करो, बी रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार बनो. ही ट्राइड टू स्टॉप हर. उसने मानव ने मानवी को रोकने की कोशिश की. मानवी, योर मदर विल हैव अ डिफिकल्ट टाइम वॉशिंग एंड ड्राइंग देम. तो उसकी मानव ने उससे कहा कि तुम्हारी मम्मी को इसको धोने में बहुत मेहनत लगेगी और इसको सुखाने में भी. ऐसा मत करो, डोंट प्लीज डोंट. उसने उसको रोकने की बहुत कोशिश की बट मानवी डिड नॉट केयर. पर मानवी ने उसकी बात नहीं सुनी. बोथ रीच द ग्राउंड, अ ह्यूज क्राउड हैड गैदर्ड. दोनों ग्राउंड पहुँचे और उधर बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रखी थी. As the flag was flying high on its pole, Manav felt proud that he had been a responsible boy. जब ये flag हवा में उड़ रहा था तो मानव को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हुआ कि उसने एक जिम्मेदार लड़का होने का वो पूरा किया. कि मतलब मानव एक रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार लड़का है, उसने अपने आप पे ये सोच के गर्व किया. थिंक एंड आंसर, सोचो और क्वेश्चनों के आंसर दो. डू यू थिंक दिस स्टोरी इज अबाउट रिपब्लिक डे? वाई? क्या आपको लगता है कि ये जो कहानी थी ये गणतंत्र दिवस पे थी? और अगर आपको लगता है तो ऐसा आपको क्यों लगा? तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कि ये तो आप इसके आंसर में लिखेंगे येस, दिस स्टोरी इज ऑन रिपब्लिक डे बिकॉज इट इज शोइंग फ्लैग होस्टिंग इन रिपब्लिक डे.
हाँ, ये स्टोरी गणतंत्र दिवस पर है क्योंकि ये ध्वजारोहण दिखा रही है और इसमें जो दिन दिखाया गया है वो गणतंत्र दिवस का ही दिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द ऑब्जेक्ट इन द स्टोरी एंड राइट एंड राइट हाउ यू यूज देम इन अ रिस्पॉन्सिबल वे। फॉर एग्जांपल ड्रेस, आई लाइक टू कीप माय ड्रेस क्लीन। यहाँ पे आपको इस स्टोरी में से कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ चीज़ें लेनी है और उनके बारे में आपको लिखना है कि आप उनको कैसे एक रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार वे में यूज़ करते हो। जैसे कि ड्रेस, आई लाइक टू कीप माई ड्रेस क्लीन, मैं अपनी ड्रेस को साफ़ सुथरा रखना पसंद करता हूँ। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे, आप इसके आंसर में ये तीनों चीज़ें लिखेंगे। फर्स्ट है ये शूज़, आई ऑलवेज टेक ऑफ माई शूज़ विद अ गुड पेन, मैं अपने शूज़ हमेशा अच्छे से उतारता हूँ, दोनों जैसे साथ में रखता हूँ। फ्लैग पे लिखेंगे, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट माई फ्लैग, मैं हमेशा अपने झंडे का सम्मान करता हूँ। वाटर, आई नेवर वेस्ट वाटर, मैं पानी का कभी भी वेस्ट नहीं करता, मतलब बर्बाद नहीं करता मैं पानी। और वो जो तीनों वर्ड्स थे वो हमारी इस स्टोरी में से थे, फर्स्ट था ये शूज़, सेकंड था थर्ड था ये वाटर और था एक फ्लैग। ये तीनों हमारी स्टोरीज में से ही थे। थैंक यू।